सरकार दहेज नहीं लेने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अभी भी दहेज के लोभी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसकी बानगी संभल में देखने को मिली है, जहां दहेज में कार और 5 लाख रुपए नहीं देने पर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। अब लड़की के परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पिता नजर ने अपनी बेटी रेहाना के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। उसकी खुशियों के लिए उसने अपना मकान तक बेच दिया था और खुद किराए के मकान में आकर रहने लगा। दरअसल पिता नजर ने बेटी की शादी जनपद रामपुर के मोजा नोगवा जमीर में तय कर दी। शादी से पहले सभी रस्में भी हो गई थी, शादी की तारीख भी तय हो गई थी। 22 मार्च को बारात आनी थी। सभी लोग बारात की राह देखते रहे, लेकिन लड़के पक्ष के लोग कोरोना वायरस का बहाना बनाकर समय काटने लगे। जैसे जैसे शादी का टाइम आता गया तो लड़के पक्ष के लोगों ने कार एवं 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। जब पिता ने पैसे नहीं देने का हवाला दिया तो बारात लाने से ही इनकार कर दिया। हताश और निराश पिता ने अब चंदौसी कोतवाली पहुंचकर आरोपी जमीर के खिलाफ शिकायत पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। आपकी बारात कहाँ से आ रही थी? नोगमा रामपुर से। तो आज बारात आनी थी, क्यों नहीं आई? क्या मांग थी उनकी? और गाड़ी कौन सी मांग रहे थे? 4-व्हीलर। और रुपए कितने मांग रहे थे आपसे? 5 लाख रुपए। पापा से मांग किया आपसे, इसलिए बारात लेके नहीं आ पाए? पापा ने दहेज का इंतजाम मकान बेच के किया।